नेता बनने के बाद भी जो है बहुत आदमी कुछ करता है, कितना आदमी जो है फ्रॉड पर नहीं करता, और जो है वो जो है कुछ चर्चित विषय में जो है बहुत अच्छा काम करते, हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं हमेशा। तो नेता कभी देखे माइक उठाते हुए नेता को? नहीं, नेता पत्रकार रहते तब ना उठाते। नेता भविष्य देश को बदल सकता है कि पत्रकार? पत्रकार नेता नहीं बदल। हम तो मनीष भैया को उतना जानते नहीं है भैया, हम अच्छा? तो पहली बार हम दिल्ली रहते हैं। अच्छा, अरे बिहार के लोग वीर होते हैं, बॉस है बिहार, बॉस है वीर। क्या नाम हुआ आपका? बॉस बकरी भी होता है। बॉस बकरी भी होता है, कमी कुछ नहीं है पढ़ाई जहाँ तक। अच्छा, बीए कर रहे हैं, बीए का फुल फॉर्म याद है आपको? बीए का फुल फॉर्म तो नहीं याद है। बिहार का इस समय मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। मनीष का सब को जानती हो? कहाँ है वो? जानते हैं, मोबाइल में देख रहा है। देखिए मनीष का सब को देख रहा है, बड़ा करीबी लग रहा है आप तो। अरे अच्छा, मनीष का सब के बारे में कितना जानते हैं? पत्रकार जानते हैं कि क्या होता है कि उनको नेता समझते हैं? महाराज इधर घुमाइए ना। अब देखिए बिहार के लोग और बिहार का नाराज है। देखिए एक और है कि मनीष कश्यप, लोग कहते हैं कि जब रात होता है ना तो कुछ बात होता है, और उस बात के पीछे अलग अलग कुछ जज्बात होता है। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए, ये वही चेहरा है जो आज रात है लेकिन रात में कुछ बात करने के लिए पहुंचे, और ये लोग नौजवान है। इधर से आप देखेंगे तो मॉरिन ड्राइव पटना का लोग बताते हैं, ये बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी को लोग बताते हैं कि बिहार चर्चित अगर कुछ है तो है मरीन ड्राइव। आज मरीन ड्राइव में कुछ लोग मिल गए हैं, इनसे बात करते हैं कि मरीन ड्राइव है क्या, और उसके बाद चर्चा करेंगे आज जो बिहार में काफी चर्चित चल रहा है। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, क्योंकि ये भविष्य है, कल के अगर देखा जाए तो भविष्य है। भविष्य से बात करने में क्या जाता है, भविष्य बताता है कि कल होगा क्या। शुरुआत करते हैं चंदन जी से, स्वागत है आपका, क्या नाम हुआ? पहले तो सबसे पहले आपको, आपके न्यूज को, जोश न्यूज को दर्शक जितना देख रहे हैं उनको कहना चाहेंगे कि देखिए अभी कुछ नहीं। अच्छा, मरीन ड्राइव के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है मरीन ड्राइव? मरीन ड्राइव अभी नया बना है और बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोकेशन बहुत है, घूमने वाला जगह है, बहुत लोग आते हैं। और उसके बाद इसके आगे भी है, इधर सामने देख रहे हैं कि PMCH है, सभ्यता द्वार है, और यहाँ नया जो बना है, नया बना है, नया बना है, और यहाँ बहुत सारा यूट्यूबर लोग आते हैं और शूटिंग वगैरह चलता है, यही है। अच्छा, बड़ा चर्चित चल रहा है बिहार में, अगर यूट्यूबर का नाम ले लिया तो मनीष कश्यप को जानते होंगे आप लोग ना? आप जानते हैं? जी, मनीष कश्यप को जानते हैं। हाँ, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। अच्छा, लेकिन अब क्या होता है कि बीजेपी में एक्टिव हो गए हैं? बीजेपी में अभी तो ये कितना सही है कि मतलब एक यूट्यूबर नेता बन गया, वो भी क्या होता है कि सभी बिहार के लोगों का, हजारों हजारों लाखों लोगों का एक था कि नहीं मनीष कश्यप कुछ अलग कर रहा है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन जब से कर लिया बिहार के नौजवान अगर देखा जाए तो सभी लोग में खलबली मच गई है। वो सोशल वर्क भी करता था और अच्छा काम करता था अपने समाज के लिए और अपने जितने भी, नहीं बिहार के युवा कहते थे कि बिहार को बदलेगा, तो क्या लगता है कि बीजेपी में जाके बदल पाएंगे? हाँ, बदल पाएंगे, उसका जो भी काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है। तो बीजेपी में अगर किस तरह से अगर देखा जाए, अब तो नेता बन गए, अब माइक नहीं उठा सकते, अब तो नेता बन गए ना? नेता बनने के बाद भी जो है बहुत आदमी कुछ करता है, कितना आदमी जो है फ्रॉड पर नहीं करता, और जो है वो जो है कुछ चर्चित विषय में जो है बहुत अच्छा काम करेगा, सारे जनता को ये लग रहा है, विश्वास है। अच्छा, जनता को विश्वास है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि निर्दल चुनाव लड़ रहा था, क्या जरूर था बीजेपी का दामन थामने का? भैया बताएंगे, नहीं बोलिए ना, बोलिए बोलिए क्या बोलिए। जैसे निर्दल में सभी लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी का दामन थामे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसको हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसका काम करने का तरीका देखा, वो हमेशा जो ना एक्टिव रहता है, 12 बजे रात में भी अगर किसी को भी कोई परेशानी रहा तो सबसे पहले जो ना मनीष कश्यप वो खड़ा रहते हैं, कोई रिक्शा चलाने वाला रहे या कोई भी इंसान रहे, छोटा बड़ा सबके लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। अगर एक कॉल अभी रात में, अगर जो 2 बजे रात में भी अगर आपको ज़रूरत है, एक कॉल बात करिए, वो जो ना एनी टाइम जो ना वो कॉल उठाएंगे और वो आपसे बात करेंगे और एनी टाइम खड़े रहेंगे। चलिए, नौजवान है, इनको पता होगा, मनीष कश्यप को जानते हैं आप? यस, हम जानते हैं। आए? हाँ, वीडियो वीडियो जो देखे होंगे ना? हाँ, बहुत। क्या नाम है आपका? मैं अनुज कुमार नाम। अरे वाह अनुज भाई, अनुज भाई हमसे जुड़ गए हैं। अगर देखा जाए तो अब पत्रकार नहीं, अब नेता हो गए हैं। पता नहीं, अब पत्रकार है। आए
इतना पता है पत्रकार है पर नेता बनने पता नहीं ये नहीं पता है। अच्छा नेता बन जाएंगे तो क्या करेंगे आप? और अच्छा काम करेंगे ऐसे नेता बन के हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं हमेशा। तो नेता कभी देखे है माइक उठाते हुए नेता को? नहीं नेता पत्रकार रहते तब ना उठाते क्या भाई गलत कह रहे हैं। अच्छा हम नेता बन जाएंगे तो फिर माइक कौन पकड़ेगा? क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। ए कृष्णा भाई बिहार के लोग डरते का डर रहे हैं का? नहीं है नहीं। आगे चल के आप ही लोग तो भविष्य है। मनीष कश्यप कैसे लगते हैं? ठीक ही हैं। ठीक ही हैं। हाँ। मॉर्निंग ड्राइव में कभी देखे कि नहीं उनको? नहीं हम तो नहीं देखे हैं बस सुने हैं। हाँ। क्या सुने उनके बारे में क्या जानते हैं? देखे न्यूज व्यूज देखे कि हम देश के लिए ये करेंगे लेकिन ठीक है। देश के लिए तो मोदी भी कर रहे हैं। तो बीजेपी के साथ हुए हैं तो अच्छा हुआ है। हाँ अच्छे है बीजेपी का। आप तो नेता बन गए नेता को अच्छा मानते हैं कि पत्रकार को? आप दोनों को अच्छा मानते हैं। नेता भविष्य देश को बदल सकता है कि पत्रकार? पत्रकार नेता नहीं बदल। अब देखिए बच्चे हैं लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ नेता वाकई लोग कहते तो हैं लेकिन सारी चीज़ें हैं। आइए ना भैया थोड़ा सा आइए। अब थोड़ा सा मनीष भैया के बारे में थोड़ा सा बता। हम तो मनीष भैया को उतना जानते नहीं है भैया। अच्छा तो हम दिल्ली रहते हैं। अच्छा अरे दिल्ली रहते हैं ज़्यादा नहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा चला रहा है तो एक्टिव है तो उसमें। हाँ देखिए ऐसी बात नहीं है। देखे थे अभी जेल उल गए अभी छूटे थे वो पहले ही बोल दिया था कि हम उसमें आएंगे बीजेपी में आएंगे। बीजेपी में आएंगे। अच्छा बिहार के युवा कह रहे हैं कि क्या होता है कि दगाबाजी कर दिया? नहीं दगाबाजी क्या करिए देखिए अभी अपना अपना चॉइस है। अच्छा आपको भी आपको भी सीट मिलेगा तो आप भी जाइएगा। नहीं कैसे जाए एक होता है पत्रकार हमें तो पत्रकारिता ही करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। अब तो डर लग रहा है अब यहाँ के बिहार के लोग कह रहे हैं ना तू ना बदल जी बा ऐसे कह रहे हैं माइकवा देखते कहते भैया पत्रकारों पर से भरोसा नहीं बदलेंगे जीतेंगे तो बदलेंगे नहीं वो अपना काम करवाएंगे वो तो पहले ही बोल रखे हैं। बीजेपी में जाके कौन सा काम करवा? बीजेपी अब तक क्या चार काम बता दीजिए कि जो अच्छा किया? अरे चार काम गिना दीजिए सर। आप तो दिल्ली में भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं अब आपको तो सारी चीजें पता होगा। हमको पता है पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं ना। ध्यान नहीं देते काम करने वाला आदमी किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म में रहता है तो वो काम करता ही काम करेगा। काम करेगा चलिए किसी भी प्लेटफॉर्म में जिसको वहाँ पे जिस जगह पे उसको सीट मिल गया उसी में वो घुस के और वो काम करेंगे और चमकाएंगे। अब देखिए ये मनीष कश्यप का क्षेत्र है मनीष कश्यप यहीं से बिलोंग करते हैं। आइए ना भैया आइए एकदम डरिए मत महाराज आप तो बिहार के लोग वीर होते हैं बॉस बिहार बॉस वीर। क्या नाम हुआ आपका? बस बकरी भी होता है। बस बकरी भी होता है अच्छी बात है। चलिए लग रहा है कि बहुत करीब से आप कख ग पड़े हैं सही बात है। बस है लेकिन क्या करिएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे आगे की तरफ कितना पड़े हैं कितना पड़े ऐसे तो 12th की है पूरा फाइनल ट्वेल्थ कर लिए है अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ाई चल रही है आगे के पार्ट टाइम जॉब। अभी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं ग्रेजुएशन भी ग्रेजुएशन करके क्या करेंगे देखेंगे अब आगे का लाइफ आगे सेटल। अरे कुछ भी तो फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा छोटा है तो आगे सोच। अरे यहाँ पे कौन टाटा अंबानी का बेटा है सभी लोग छोटा ही है। टाटा अंबानी का बेटा है लेकिन टाटा अंबानी की जगह पे ही है। नहीं आप बताइए क्या आप भी तो कुछ कर आप देश के लिए क्या सोचे होंगे कुछ ना कि बस अपने लिए सोचा है? क्या सोचे देश के लिए? अरे कुछ भी अब अपना संविधान तो देश लोग चला ही रहा है जो चला रहा है। अच्छा मनीष कश्यप को किस नजर से आप देखते हैं नेता की नजर से? अच्छी नजर से देखते हैं। अच्छा नहीं नेता बन गए अब तो पत्रकार नहीं रह गए नेता बन गया तो धीरे धीरे ग्रोशन किया आगे का प्रमोशन लिया वो। अच्छा क्या होता है पब्लिक को दिखाया वो अपना मतलब मेहनत करके कि मेरे अंदर कितना मेहनत है। अच्छा मतलब अच्छा के लिए अच्छा किया गलत के लिए गलत किया है। अच्छा निर्दल क्या होता है कि चुनाव लड़ रहे थे निर्दल चुनाव लड़ते तड़ते बीजेपी का दामन थाम लिए ये कहाँ तक सही है? जब तक पार्टी में नहीं थे तब तक लोग बड़ा प्यार करते थे अब तो पार्टी वाले नेता बन गए अब कौन सवाल जो नेता से सवाल पूछता था अब तो सवाल नहीं पूछेगा ना वो अब तो खुद ही नेता बन गए। अच्छा हम नेता बन जाएंगे तो सवाल कौन करेगा हमसे? तो नेता बन जाएंगे तो नेता की जगह मतलब जो सवाल करने वाला होगा नेता उपाय लगाएगा कहीं ना कहीं से। नहीं तो आप जैसे लोग को आना पड़ेगा ना। हम जैसे लोग को आना पड़ेगा लेकिन टैलेंट रहेगा तब ना आएंगे आगे। आपके अंदर टैलेंट नहीं है? टैलेंट तो है लेकिन हम अपना टैलेंट कितना दिखाएंगे? काहे नहीं दिखाएंगे काहे नहीं दिखाएंगे आप में कमी क्या है? बहुत कमी है पढ़ाई है अलग से पढ़ाई है काम है धंधा है सब चीज देखते हुए चलना पड़ता है सब। अच्छा अबे बीए कर रहे हैं फिर भी क्या कमी है? बीए करना कमी कुछ नहीं है पढ़ाई जहाँ तक। अच्छा बीए कर रहे हैं बीए का फुल फॉर्म याद है आपको? बीए का फुल फॉर्म तो नहीं याद है। देखिए बीए कर रहे हैं और बी से सिर्फ बकरी जानते हैं बीए का फुल फॉर्म याद नहीं है ये बच्चे। कुछ कहना चाहोगी? क्या नाम है बताओ बेटा? अरे वाह पढ़ती हो? हाँ। इतना रात हो गए मॉर्निंग ड्राइव पे क्या कर रही हो?
मामा जी बोले कि चलो घूम के और आते हैं। मामा जी कहे कि चलो घूम के आते हैं, तो मजा आया कि नहीं? बहुत। क्या खाई हो? ऐसे खाया था अभी कुछ भी नहीं। पढ़ती हो? कितने में पढ़ती हो? नाइन्थ क्लास। नाइन्थ, अभी नाइन्थ पे एडमिशन हुआ कि दस में चली गई? नहीं अभी एडमिशन हुआ। अभी एडमिशन हुआ, क्या सब्जेक्ट क्या है बेटा? नाइन्थ का सब्जेक्ट। नाइन्थ में पढ़ती हो, सब्जेक्ट नहीं पता है बेटा कि क्या क्या है? बहुत है। अरे बहुत क्या होता है, देखो बहुत क्या, हम यहाँ पे लाइट और सड़क के बारे में नहीं, तो आप बोल। हाँ, हमारी दुनिया हिस्ट्री है, सामाजिक विज्ञान है, साइंस है। साइंस अलग होता है और सामाजिक विज्ञान अलग होता है? नहीं वही होता है। लड़की है, नौ में पढ़ रही है अब, अगर देखा जाए ठीक है, बिहार का शिक्षा दीक्षा भी जरूरी है। आ? बताओ, जैसे बिहार में, बिहार का इस समय मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री आप भी कुछ बता दें बारे में। नहीं पता नहीं, नहीं है। मनीष कश्यप को जानती हो? जी। कहाँ है? मंत्री। मंत्री है? नहीं पता। बच्ची है, बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं जानती है, मनीष कश्यप को नहीं जानती है, और नौ में कितने सब्जेक्ट होते हैं ये भी देख रहा है। ये देख लिया, मजदूर लोग हैं, क्या कहना चाहिए? अरे एकदम लगा हीरो है आप तो। अरे क्या डर रहे हैं? क्या नाम है, क्या नाम हो गए? क्या नाम हुआ बताइए? शंकर कुमार। शंकर कुमार जी मनीष कश्यप जी को जानते हैं? जानते हैं, जानते हैं, मोबाइल में देख रहा है। देखिए मनीष कश्यप को देख रहा है, बड़ा करीबी लग रहा है आप तो। अरे अच्छा, मनीष कश्यप के बारे में कितना जानते हैं? पत्रकार जानते हैं कि क्या होता है, कि उनको नेता समझते हैं? महाराज इधर घुमाइए ना, अब देखिए बिहार के लोग और बिहार का नाराज है। देखिए एक और है कि मनीष कश्यप से नाराज है, बिहार के युवा हैं और यही लोग कल क्या होता है बिहार को बदलेंगे। एक मनीष से बिहार नहीं बदलेगा, ऐसे लाखों मनीष कश्यप आएंगे तब बिहार बदलेगा। बिहार को बदलने के लिए ऐसे युवाओं की जरूरत है दोस्त, कहीं ना कहीं मरीन ड्राइव पर रात का अगर देखा जाए तो 8-9 बज रहा है, हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। इन वीडियो को देखकर आप बताइएगा क्या ये लोग बिहार को बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।